हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गुरु नीति पार्ट 11, जिसमें हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड माइसेल्फ प्रशस्त जैन, फैकल्टी मैथमेटिक्स। माइसेल्फ रिंकेश कुमार गुप्ता। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें स्टूडेंट हम लोगों को देखिए ये कह रखा है कि ये जो एक होमोजीनियस इक्वेशन हमको दी गई है, इसमें से इसकी द्वारा रिप्रेजेंट होने वाली लाइन में से एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप का स्क्वायर है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सो लेट अस से स्टूडेंट की इन के द्वारा रिप्रेजेंट होने वाली लाइन के स्लोप एम और एम स्क्वायर है। नाउ वी नो फॉर्मूला होता है एम वन प्लस एम टू, तो एम वन प्लस एम टू इक्वल्स टू माइनस टू एच अपॉन बी, तो माइनस टू एच इज हाफ ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स, दैट इज माइनस थ्री अपॉन बी, दिस इज योर वन। तो यहां से हमें एम स्क्वायर प्लस एम और ये हो गया 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 मिला। इसके फैक्टर हो जाएंगे m प्लस 3 इंटू एम माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें m की दो वैल्यू मिली, एक 3 एक 2। सेकंड चीज स्टूडेंट हम लोग ये कह सकते हैं, हाँ माइनस 3 और 2 ये हम लोगों को मिलेगा। दूसरा हम लोगों के पास में है m1 इंटू m2 इक्वल टू a अपॉन b, ये हम लोगों को मिलेगा। अब m यहां पर हम लोगों को माइनस 3 भी रख सकते हैं और 2 भी रख सकते हैं। एम को अगर मैं यहाँ पे माइनस 3 रखता तो ये माइनस 3 का क्यूब माइनस 27 आता, और 2 रखता तो 2 का क्यूब 8 आता। तो ये ए की दो पॉसिबल वैल्यू है और ये दोनों वैल्यू हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दी गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 व्हाट वैल्यू ऑफ के दी इक्वेशन, ये भी आपको एक नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन दिए, रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी इक्वेशन सेकेंड डिग्री की इक्वेशन पीएसएल को रिप्रेजेंट करती है, तो उस केस में आपको करना है उसका डेल्टा 0। अभी डेल्टा का फॉर्मूला क्या, देखो आप ए बी सी एच जी एफ एच जी एफ, इसमें आप वैल्यू पुट करो तो पुट करने से आपको क्या मिलेगी, के की वैल्यू। चलो अपन करके देखते हैं इसको एक बार। इसमें ए क्या है बताओ, के कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b का मीनिंग है कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ये 12 होगा, और c का मीनिंग है कांस्टेंट टर्म, तो ये -3। उसके बाद h का मीनिंग है xy के कोफिशिएंट का हाफ, तो xy के कोफिशिएंट का हाफ होगा -k 5, और g का मीनिंग है x के कोफिशिएंट का हाफ, तो दिस इज 5/2, और f का मीनिंग होगा y के कोफिशिएंट का, तो ये आ गया बेटा माइनस के लिए -5, 5/2 एंड -8। इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो देख लेते हैं एक बार, k 12 इंटू -3 -36, ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 64 प्लस 5 15 -30 और लास्ट इज प्लस 5/2 और ब्रैकेट में आ गया 40 -30, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तो हो गया 100 के और राइट साइड में मिलेगा 200, तो देन के की वैल्यू मिलेगी आपको 2, तो इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें हम लोगों को ऐसा कह रखा है कि ये पेयर ऑफ लाइंस है, ये किसी सर्किल के डायमीटर के अलावा, यानी ये दोनों लाइन किसी सर्किल के डायमीटर का काम करती है, और ये दोनों सर्किल को 4 सेक्टर्स में डिवाइड करती है, जिसमें से एक का एरिया दूसरे सेक्टर के एरिया का 3 टाइम्स है। सो सबसे पहली बात स्टूडेंट ये है कि लेट अस से ये हमारा सर्किल है और ये दोनों लाइन उसके लिए डायमीटर का काम करती है। तो अगर दो डायमीटर हमें पता है तो दोनों डायमीटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्टूडेंट सेंटर होगा, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आप जानते ही हैं ओरिजन होता है, तो सर्किल का जो सेंटर है वो हम लोगों के पास में ओरिजन हो गया, फर्स्ट ऑफ थिंग ये हमें पता लगा। दूसरी चीज स्टूडेंट देखिए, ये दो डायमीटर है, इन्होंने हमारे पास में पूरे सर्किल को इस तरह से 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर रखा है, से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब हम जानते हैं स्टूडेंट कि किसी भी सेक्टर के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इंटू पाई से, जैसे हमारे पास में टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो अगर कोई सेक्टर हमारे पास में थीटा एंगल बना रहा है तो उसका एरिया क्या होगा स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू थीटा, दैट इज आर स्क्वायर इंटू थीटा।
तो ऑब्वियस ही बात है इन चारों सेक्टर्स के लिए, हाँ, 1/2 को हम लोग लिखना मिस कर गए थे। इसके अलावा स्टूडेंट हम लोगों को ये तो दिख ही रहा है कि जैसे फर्स्ट और थर्ड दोनों में ये एंगल सेम है, तो फर्स्ट और थर्ड का एरिया सेम होगा, सेकंड और फोर्थ का एरिया सेम होगा। तो क्वेश्चन में ये जो बात हमें कह रखी कि एक सेक्टर दूसरे का 3 times है, उसका मतलब स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड में ये रिलेशन होल्ड करता है। तो सेम मैंने इस एंगल को, और इससे अच्छा ये भी देखिए स्टूडेंट कि जो एरिया है किसी भी सेक्टर का वो हमारे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए रेडियस तो सेम है, तो अगर फर्स्ट का एरिया स्टूडेंट थर्ड सेकंड के एरिया से 3 times है, तो फर्स्ट का ये बनने वाला एंगल इसके एंगल का 3 times होगा, यानी अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाई 3 होगा। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, थीटा और थीटा बाई 3 को जोड़ दूं, तो वी नो कि वी शुड गेट 180 degree। तो यहां से आता है स्टूडेंट हम लोगों के पास में कि 4θ/3 इक्वल टू 180 degree, दैट इज 3θ = 135। यहां से हम लोग थीटा को निकालेंगे तो हमारे पास में आएगा 135 degree। इसका मतलब बेसिकली ये हुआ स्टूडेंट कि इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट होने वाली दोनों लाइंस के बीच का एंगल 135 डिग्री है, ये हम लोगों को पता लग चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है 2√h²-ab/a+b। इसका मॉडुलस यहां पर अगर मैं थीटा को 135 डिग्री रखूंगा तो ये -1 होगा, हम इसका मॉडुलस लेंगे तो ये 1 आ जाएगा अल्टीमेटली। तो 1 = 2√ h is half of coefficient of x y, that is a plus b, इसका whole square minus में a into b divided by what a plus b। बस आप इसको simplify कर लीजिए, जैसे आप इसको simplify करेंगे student तो आपको एक option इसमें से मिल जाएगा जो आपको first option मिलने वाला है। Okay, चलिए बढ़ते हैं next question पर। उसके बाद देखो fourth question क्या है, if ax cube plus by square plus cx square y plus dx y cube equal to 0 represents 3 distinct straight lines such that each line bisects the angle between the other two, then which of the following option is oblique are correct। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ये डिग्री 3 की आपको एक होमोजेनियस इक्वेशन है, तो इट इज पासिंग थ्रू दी 0 0। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये 3 स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है, ऐसे ये लेट L1 है, ये लेट L2, ये लेट L3। तो क्वेश्चन में बोला गया कि ईच लाइन रिमेनिंग 2 लाइन का क्या एंगल बाइसेक्ट है। तो देखो जैसे लेट ये एंगल थीटा है, ये थीटा होगा क्योंकि L2 L1 L3 का एंगल बाइसेक्ट है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये L3 था, ये L2 है, तो इस बार L3 L1 L2 का एंगल बाइसेक्ट है। तो देखो ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा, तो फिर इसको भी थीटा लेट करोगे। सिमिलरली जब अपन L1 को L2 L3 का लेट करेंगे एंगल बाइसेक्ट, तो ये भी एंगल दोनों क्या होंगे बेटा थीटा। तो उससे आपको क्या मिला कि जो टोटल एंगल का सम है 6θ, ये 2π के इक्विवेलेंट होगा। तो इससे आ गया 6θ = 2π, तो थीटा मिल गया बेटा 60 डिग्री। इसका मीनिंग क्या है कि जो L1 L2 L3 के स्लोप है लेट M1 M2 M3, तो इनके बिटवीन जो एंगल है वो 60 है। तो अब देखो इसके बाद कैसे करना है, इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप M2 है, और इसका स्लोप लेट M3। अब ये जो 3 स्ट्रेट लाइन है ये लाइन किस फॉर्मेट में होंगी, y = mx की फॉर्मेट में। तो आप क्या करो, इसको पहले स्लोप की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो जो y = mx है इसमें m का मीनिंग है y/x, तो y/x को अपन लेट कर सकते हैं m, तो ये स्लोप की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। तो इसको क्या करना है, x³ से डिवाइड। तो जब आप इसको x³ से डिवाइड करोगे तो ये होगा बेटा bm³ + dm² + cm + a = 0। तो ये m में क्यूबिक है जिसके 3 रूट होंगे m1 m2 और m3, और ये तीनों क्या है, इन लाइन के स्लोप्स हैं। अब जो ऑप्शंस इसमें देखो, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में तो d और bc में रिलेशन गिवन है, और सेकंड और फोर्थ में b और c में रिलेशन गिवन है। तो देखो पहले अपन सेकंड और फोर्थ की बात करते हैं, तो B और C में जो रिलेशन है वो देखो किसके अंदर प्रेजेंट है आपका, इन दोनों में। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो रूट्स हैं इनके 2-2 के प्रोडक्ट का सम लिखोगे तो आपको ये रिलेशन मिल सकता है। तो इसमें लिख सकते हैं सिग्मा m1 m2, मतलब m1 m2 + m2 m3 + m3 m1 = ±, तो ये आ गया बेटा c/4। अब आपको m1 m2 + m2 m3 + m3 m1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखो इसके लिए क्या करना चाहिए अपन को,
इसमें आप एंगल का फॉर्मूला यूज करो कि जैसे लेट m1 m2 के बिटवीन एंगल थीटा है, तो अपन लिख सकते हैं बेटा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये एंगल कितना 10 60 दिस रूट 3। सिमिलरली इसके बाद आप m2 m3 में अगेन एंगल का फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या मिलेगा बोलो, m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3 इक्वल टू 10 60 रूट 3। और लास्ट एक काम इसमें भी करो कि m3 और m1 में भी यूज करोगे तो क्या आ गया, ये साइक्लिक फॉर्म में चलना है आपको, तो m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m3 m1 इक्वल टू रूट 3। अब इसके बाद देखो क्या करना, आप ये जो 1 प्लस m1 m2 है इसको कर दो रूट 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको भी करो रूट 3 से मल्टीप्लाई, और इसको भी करना रूट 3 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जब इन तीनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो जो लेफ्ट साइड है उसमें क्या होगा, m2 माइनस m1 प्लस m2 माइनस m3 प्लस m3 माइनस m1, तो बेटा ये तो आ गया जीरो, और इक्वल टू में क्या होगा रूट 3 तो कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो इसमें वन आपका थ्री टाइम्स है, तो थ्री प्लस एम वन एम टू प्लस एम टू एम थ्री प्लस एम थ्री एम वन, और इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो आप सी अपॉन बी इक्वल टू जीरो, रूट थ्री आपका जीरो में चला गया, तो इसको जब सिंप्लीफाई करो तो आ गया थ्री बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो एक रिलेशन तो आ गया थ्री बी प्लस सी इक्वल टू जीरो सेकेंड ऑप्शन। अब ये सुन लो आप, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन को वेरीफाई करने के लिए देखो, ये जो स्लोप्स हैं ये आपके रियल होंगे, तो इस क्यूबिक इक्वेशन के ऑल थ्री रूट्स आर रियल, तो क्या करो आप इसको एक फंक्शन ऐड कर दो एफ ऑफ एम का और उसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा बेटा थ्री बी एम स्क्वायर प्लस टू डी एम प्लस सी, तो इसके ऑल थ्री रूट्स अगर आपके रियल हैं तो 100% इसका जब डायग्राम बनाओगे तो उस टाइप से होगा ना, तो मतलब इस एफ डैश एम के दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, तो ये एम ए क्वाड्रेटिक है तो इसका करना है डी ग्रेटर देन जीरो, तो जब डी ग्रेटर देन जीरो करोगे तो इससे क्या मिलेगा बोलो, फोर डी स्क्वायर माइनस 12 बी सी ग्रेटर देन जीरो, तो जाएगा डी स्क्वायर ग्रेटर देन थ्री बी सी, बट हमारे ऑप्शन में 5 बी सी है तो ये अपन को लेट नहीं करना, तो उसका ओनली वन ऑप्शन करेक्ट होगा सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हम लोगों को ये कहा है कि y इक्वल टू mx जो है वो इस पेयर ऑफ लाइन के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो m इनमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है दैट हैज बीन आस्क्ड। ओके, तो देखिए y इक्वल टू mx जो है वो इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो हमें पता है कि किसी भी एंगल के जो दो बाइसेक्टर्स होते हैं उनको हमेशा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, तो अगर एक बाइसेक्टर y इक्वल टू mx है तो डेफिनेटली दूसरा बाइसेक्टर y equal to minus 1 upon m into x होगा, that is my plus x equal to 0। तो अगर मैं pair of bisectors की equation लिखूं, pair of bisectors की equation लिखूं, तो वो होगी हमारे पास में y minus mx multiplied by my plus x equal to 0। इसको simplify कर लेना, simplify करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हम लोगों को, minus में m x square माइनस में एम स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स वाई, तो प्लस वन माइनस एम स्क्वायर इंटू एक्स वाई और प्लस एम इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स। अब स्टूडेंट अगर हम लोगों को इसके पेयर ऑफ बाइसेक्टर की इक्वेशन ऑलरेडी एक फॉर्मूला होता है वो भी ध्यान है, वो होगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच एच, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखें तो ये हो जाएगा एच एक्स स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी इंटू एक्स वाई माइनस में एच वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर टू। नाउ दीज टू इक्वेशन रिप्रेजेंट सेम पेयर ऑफ बाइसेक्टर, सो वी कैन कंपेयर दीज टू इक्वेशन, तो अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट देखिए एच अपॉन माइनस एम इक्वल टू माइनस में ए माइनस बी अपॉन वन माइनस एम स्क्वायर हम लोगों को मिलेगा, तो यहां से स्टूडेंट ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास में एच माइनस एच एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ए माइनस बी इंटू एम, दैट इज एच एम स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एम माइनस एच इक्वल टू जीरो, तो एम जो है वो इस इक्वेशन को
सेटिस्फाई करने वाला होगा। तो हम ऑप्शंस पे अगर जाएं तो हम लोगों को यहाँ पर ये देख लेना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि इस पूरी बात को सेटिस्फाई कर रहा था। देखिए जो पहला ऑप्शन है वहां पर बस मैं एम की जगह अगर मैं एक्स रख दूं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में लिखी जाए या एम में लिखी जाए, रूट पे तो फर्क पड़ता नहीं। सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए पॉइंट ए ऑन द एक्स एक्सिस ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, शो एज टू मीट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस पार्ट इन बी एंड सी, और ए भी आपको गिवन है बी सी के इक्वल। तो देन आपको ऑप्शन में एच ए और बी में रिलेशन को फाइंड आउट करना। देखो कैसे करोगे, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स एक्सिस पे लेट एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट से आपको एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, उसके बाद ये टू लाइन है और बोथ आर पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, इनको अपन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये फर्स्ट लाइन है लेट और ये आपकी सेकेंड लाइन। तो ये लेट वाई इक्वल टू एम वन एक्स है और ये लेट वाई इक्वल टू एम टू एक्स। ये पॉइंट बी बोला गया क्वेश्चन में और ये पॉइंट सी बोला गया। बाद में लिखा गया आपको ये जो ए बी की लेंथ है ये बी सी की लेंथ के इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी। तो देखो ए बी की लेंथ का मीनिंग क्या होगा, ए बी की लेंथ का मीनिंग होगा पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट। तो देखो कैसे करते हैं, अपन इस पॉइंट ए को लेट करते हैं अल्फा कॉमा जीरो। तो पॉइंट ए को अगर आप अल्फा कॉमा जीरो लेट करोगे तो इस बी और सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो क्या होगा अल्फा। तो जब आप एक्स कोऑर्डिनेट को अल्फा लोगे तो बी का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस लाइन में एक्स को पुट करो अल्फा, देन दिस इज एम वन अल्फा और सिमिलरली इसमें लिखोगे एम टू अल्फा। तो देखो इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो ए बी है इसकी लेंथ होगी एम वन अल्फा और बी सी की लेंथ होगी क्या इसके वाई कोऑर्डिनेट्स में, इसके वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। तो ए बी को पुट कर दो एम वन अल्फा इक्वल टू बी सी की लेंथ एम टू अल्फा माइनस एम वन अल्फा। तो अल्फा कॉमन एम टू माइनस एम वन, अल्फा से अल्फा कैंसिल कर सकते क्योंकि अल्फा तो जीरो हो नहीं सकता, अदरवाइज ये ओरिजिन पे लाइन होगी तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो इससे आ गया टू एम वन इक्वल टू एम टू। तो आपको ये रिलेशन मिल गया कि जो इस पीएसएल की जो स्लोप्स हैं एम वन एम टू उनमें ये रिलेशन है टू एम वन इक्वल टू एम टू। तो ये अपन को पता है कि अगर इसके स्लोप एम वन एम टू है तो सम ऑफ स्लोप क्या होगा एम वन एम टू माइनस टू एच अपॉन बी, और 2m1 को अपन m2 पुट करेंगे तो m2 को 2m1 लोगे तो ये आ गया 3m1 इक्वल टू, सिंपल सी बात है आपको इन इक्वेशनों में m1 m2 को एलिमिनेट करके ab h में रिलेशन लेके आना है। तो m2 को पुट किया आपने 2m1 और नेक्स्ट क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 m2 इक्वल टू a by b, और ये आपको पता है कि m2 को मैं लिख सकता हूं 2m1 तो ये आ गया 2m1 स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन b। अब आप क्या करो इससे m1 की वैल्यू को पुट कर दो m1 स्क्वायर के अंदर, तो इसकी वैल्यू को जब आप इसमें पुट करोगे तो देखो क्या आ गया 2 m1 को पुट करना आपको माइनस 2h अपॉन 3b का स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन b। तो देखो इसकी स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 8 h स्क्वायर, ये आ गया 9b 9b स्क्वायर। तो उसको इधर मल्टीप्लाई करने पर जाएगा बेटा 9 2 ab, तो इसका आंसर होगा 8h स्क्वायर इक्वल टू 9b। तो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन मैच करने वाला है, 8h स्क्वायर इक्वल टू 9b, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा सेकंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, पेयर ऑफ लाइंस और ये लाइन एक ट्रायंगल बनाती है, वो ट्रायंगल किस प्रकार का ट्रायंगल है वी हैव टू फाइंड। देखिए x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 इजीली तो इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो हम इन दोनों लाइंस को लेट अस से कि ये AB और AC को रिप्रेजेंट करती है। तो A पॉइंट हो गया 0, 0 इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये जो BC लाइन है ये है x प्लस y प्लस 4√6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। लेट अस से स्टूडेंट कि हम लोगों ने इस लाइन के स्लोप को सपोज कर लिया m, ठीक है, या एक काम हम लोग इसमें ये कर सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो इक्वेशन है इससे हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस x माइनस में 4√6, और इस y की वैल्यू को उठा करके मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखूंगा x स्क्वायर माइनस 4x, y को रख दूंगा माइनस x माइनस 4√6,
प्लस माइनस एक्स माइनस फोर रूट सिक्स इसका होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो. नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू आएगी, तो वो एक्स की वैल्यू पॉइंट बी और पॉइंट सी इनका एक्स कोऑर्डिनेट हमें शो करेंगे. एक्स कोऑर्डिनेट को मैं यहां रखूंगा तो मुझे वाई कोऑर्डिनेट मिलेंगे, तो अल्टीमेटली मुझे पॉइंट बी और पॉइंट सी उसके प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. नाउ जब मुझे तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होंगे तो मैं तीनों साइड की डिस्टेंस निकाल लूंगा. जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि तीनों साइड की डिस्टेंस इक्वल आ रही है. सो वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. आप क्वेश्चन हेड देखो, द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय द लाइंस xy + 2x + 2y + 4 = 0 एंड x + y + 2 = 0. ये आपको टू लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन गिवन है और ये सिंगल लाइन है. थ्री लाइंस क्या करती है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन. तो देन आपको उसका सर्कम सेंटर फाइंड आउट करना है. देखो एक सिंपल इक्वेशन है, आप इसको इजीली टू स्ट्रेट लाइन में स्प्लिट कर सकते हो. तो देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म में जब आप x कॉमन लोगे तो ये होगा y प्लस टू, और थर्ड और फोर्थ में बेटा टू कॉमन लोगे तो दिस इज y प्लस फोर इक्वल टू जीरो. तो सॉरी y प्लस टू, तो y प्लस टू कॉमन लेने पे अगेन आ गया ब्रैकेट में x प्लस टू. तो ये टू लाइन्स हैं और वो लाइन क्या है, एक x इक्वल टू माइनस टू और सेकेंड इज x इक्वल y इक्वल टू माइनस टू. ये लो ये सिंपल टू लाइन्स गिवन है आपको, और थर्ड लाइन आपको गिवन है. तो चलो एक बार इनको ड्रॉ करते हैं फटाफट. ये लेट x इक्वल टू माइनस टू है और ये लेट y इक्वल टू माइनस टू है. तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा माइनस टू कोमा माइनस टू. ये पॉइंट माइनस टू कोमा जीरो है और ये जीरो कोमा माइनस टू है. अब जो थर्ड लाइन गिवन है इसको ड्रॉ करते हैं, तो इसमें x को जीरो लोगे तो y माइनस टू का मतलब इसी पॉइंट से पास होगा वो, और सिमिलरली जब इसमें y को जीरो पुट करोगे अगेन तो x माइनस टू. इसका मीनिंग ये लाइन आपकी इस टाइप से ड्रॉ होने वाली. तो ये जो ट्राइंगल है कैसा ट्राइंगल है बोलो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है. और अगर ट्राइंगल राइट एंगल हो तो उस केस में जो सर्कम सेंटर है वो क्या होगा, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट. ये पॉइंट आपका था माइनस टू कोमा जीरो और ये पॉइंट है जीरो कोमा माइनस टू. तो इसका जब मिड पॉइंट फाइंड आउट करो तो क्या आएगा, माइनस वन कोमा माइनस वन. तो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा सेकेंड. क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, पेयर ऑफ लाइंस और एक लाइन दे रखी है और इनसे बनने वाले ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है. ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस में xy माइनस में 6y स्क्वायर इक्वल टू जीरो. हम ये देखते हैं स्टूडेंट इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या, तो फैक्टर काफी इजीली हो पा रहे हैं इसके. 2x स्क्वायर माइनस में 4xy प्लस में 3xy माइनस में 6y स्क्वायर इक्वल टू जीरो. दैट इज यहाँ पे 2x कॉमन लिया तो x माइनस 2y, और यहाँ पर हम लोगों ने माइनस में 3y कॉमन लिया तो हम लोगों के पास में आ जाएगा प्लस 3x. हम लोगों को एक मिनट, हम लोगों को यहाँ पे कॉमन लेना है 3y प्लस में, तो x माइनस 2y हम लोगों को मिल जाएगा. ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है. तो इन दोनों लाइन की अलग अलग इक्वेशन आ गई, 2x प्लस 3y इक्वल टू जीरो, और इसकी इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू जीरो. दिस इज ओरिजन. और तीसरी लाइन है हम लोगों के पास में x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू जीरो. ये हमको यहाँ पर तीनों साइड मिल चुकी है. अब इस आपको ध्यान होगा कि ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए हमें ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉप फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड. तो हम स्टूडेंट एक बार तो ओ से यानी इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और इसकी इक्वेशन को निकाल लेंगे. लेट अस से दिस इज ओडी, तो गेट इक्वेशन ऑफ ओडी आपको निकालनी होगी. इसके बाद में इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करके पॉइंट ए हम निकाल लेंगे, और पॉइंट ए से सामने वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, सो गेट द इक्वेशन ऑफ ए. ये दोनों इक्वेशन आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगी. दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर आपको मिलेगा जो आपको माइनस फोर बाई थ्री कॉमा माइनस फोर बाई थ्री मिलेगा. ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मड बाय द लाइन दिस पार्ट एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ऑफ पेयर दिस पार्ट. तो क्या करना है, देखो एक लाइन तो दिस गिवन है आपको, और ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इनकी जो एंगल बाइसेक्टर है उनसे जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो चलो सबसे पहले इन लाइन को देखो आप, इनसे दो मेथड है, या तो फिर अगर
PSL जो गिवन है वो क्या हो, होमोजीनियस। फिर तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। और अगर लाइन आपकी नॉन होमोजीनियस है तो क्या करो, पहले फाइंड आउट करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आफ्टर दैट आप उस फॉर्मूले में x इज रिप्लेस बाय x माइनस x1 और y इज रिप्लेस बाय y माइनस y1 से भी एंगल बाइसेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो। और देखो इसमें सिंपल सी बात ये कि इनमें दोनों लाइन को अपन सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो ये लेट x स्क्वायर है, ये लास्ट की थ्री टर्म में जो माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आ गया बेटा x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जब स्क्वायर रूट लोगे तो बहुत सब एक साइड लगाना है प्लस माइनस, तो ये आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस 2। तो एक लाइन तो होगी इससे x इक्वल टू y माइनस 2 और टेकिंग माइनस लोगे तो आ गया माइनस y। ये आपके पास टू लाइन है। अब इनका लेना आपको एंगल बाई सेक्टर। देखो सिंपल होगा, इसमें इन लाइंस को ड्रॉ करते अपन एक बार, x एक्सिस ये y एक्सिस। L1 लाइन की बात करोगे आप तो देखो y को जीरो लोगे तो x माइनस टू है और x को जीरो लेने पे आ गया y टू। तो L1 लाइन तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ये पॉइंट है आपका जीरो कोमा, ठीक है। और सेकेंड लाइन की बात करोगे तो देखो y को जीरो लेने पे आ गया x टू, तो टू कोमा जीरो, और x को जीरो लोगे तो y आ गया अगेन जीरो कोमा टू। तो सेकेंड L2 लाइन आपकी ऐसे पास होगी, ठीक है। ये L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। और जो थर्ड लाइन है वो गिवन है x प्लस y इक्वल टू 3। देखो ये जो सेकेंड लाइन है L2 ये क्या है, x प्लस y इक्वल टू 2 और ये x प्लस y इक्वल टू 3 है, तो क्या होगी पैरेलल टू दी L2 लाइन। तो जब ये इसके पैरेलल होगी तो उसको आपको इस फॉर्मेट में ड्रॉ करना है ऐसे। तो ये जो L1 L2 है इनका एंगल बाइसेक्टर देखो ढंग से, ये एंगल 45 डिग्री है और ये भी कितना 45 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे ना। तो एक एंगल बाइसेक्टर तो इसका आ गया y एक्सिस, क्या आ गया बोलो y एक्सिस। और उसके बाद L1 L2 का जो एक एंगल बाइसेक्टर होगा दिस पार्ट y इक्वल टू 2 की लाइन। सिंपल है कि L2 है ये L1 है, एक तो जो y एक्सिस से इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, एक इसकी क्या होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा y इक्वल टू 2। तो इससे जो ट्राइंगल फॉर्म होगा कौन सा ट्राइंगल होगा, दिस एंगल बाइसेक्टर और ये लाइन आपकी L3। तो इससे मिल गया आपको ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो सिंपल फॉर्मूला, एरिया हाफ बेस, ये इसका बेस है। तो इसमें बेटा जब y को 2 लोगे इस लाइन L3 में तो x मिल गया आपको 1, तो इसकी जो विड्थ है वो तो क्या 1 और हाइट क्या होगी दिस पार्ट, ये L3 लाइन में x को 0 लेने पे y3 है तो ये भी लेंथ क्या आपकी बोलो 1, तो डेल्टा आ गया इसका 1/2। तो इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन ही पूछा है कि 1,2 से जाने वाली स्ट्रेट लाइन है जो इस स्ट्रेट लाइन को √6/3 डिस्टेंस पर कट करती है, तो ये स्ट्रेट लाइन किस डायरेक्शन में खींची जानी चाहिए, यानी हमें उसका एक तरह से इंक्लिनेशन बताना होगा। तो लेट अस से स्टूडेंट ये पॉइंट हमारे पास में है P विच इज 1,2 और ये हमारे पास में स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक। P पॉइंट से इस तरह से एक लाइन खींची गई है, मैं इसका इंक्लिनेशन थीटा मान लेता हूं और लेट अस से ये इसको Q पॉइंट में कट करती है। P और Q पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज बीन गिवन एज √6/3। नाउ आई हैव टू फाइंड थीटा। तो स्टूडेंट हम लोग इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन की फॉर्मेट से जाएंगे। तो देखिए पैरामेट्रिक इक्वेशन में मैं अगर पैरामेट्रिक फॉर्मेट में अगर स्ट्रेट लाइन PQ को रिप्रेजेंट करूं सो इट विल बी x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r। और हम लोगों को इस पॉइंट से √6/3 डिस्टेंस का पॉइंट चाहिए, तो हम यहां पर r को पुट अप कर देंगे प्लस माइनस √6/3। सो स्टूडेंट यहां से x और y की जो वैल्यू आएगी दैट विल रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए प्लस माइनस √6/3 cos थीटा प्लस वन प्लस माइनस √6/3 sin थीटा प्लस 2। नाउ सिंस पॉइंट Q लाइज ऑन दिस स्ट्रेट लाइन सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो हम इस पॉइंट को x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन से सेटिस्फाई कराएंगे। सो इट विल बी देखिए ये ऐड होगा x और y ऐड होगा तो ये दोनों में ऐड करूंगा तो प्लस माइनस √6/3 कॉमन ले लिया cos थीटा प्लस sin थीटा
प्लस वन प्लस टू दैट इज थ्री, थ्री माइनस फोर दैट इज माइनस वन, तो यहाँ माइनस वन इक्वल टू जीरो आया, इसको मैंने प्लस वन इधर ले जाके लिख दिया। तो यहां से स्टूडेंट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमें मिली प्लस माइनस थ्री अपॉन रूट सिक्स, और इसको देखिए स्टूडेंट मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, रूट सिक्स को लिख सकता हूँ रूट थ्री इंटू रूट टू, सो इट इज प्लस माइनस थ्री अपॉन टू इसका स्क्वायर रूट। नाउ स्टूडेंट आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का चैप्टर पढ़ा है, आप जानते हैं कि इस प्रकार की इक्वेशन को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करके हम लोगों को थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, या फिर हम इसका दूसरा काम ये भी कर सकते हैं, पीछे वाला दीजिएगा सर, हम ये भी कर सकते हैं कि हम ये देख लें कि कौन से ऑप्शन में ऐसे एंगल हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दिस विल बी इजीयर एंड दिस शुड बी डन टू डू द क्वेश्चन। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता लगेगा स्टूडेंट कि पहले ऑप्शन के जो एंगल है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ दी टू लाइंस x प्लस a माइनस वन इंटू y इक्वल टू वन एंड 2x प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू वन, आपको टू स्ट्रेट लाइन गिवन है, r परपेंडिकुलर, ये बोथ लाइंस क्या परपेंडिकुलर, देन दी डिस्टेंस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम दी ओरिजिन, तो आपको इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखो तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला गया कि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आप इनके स्लोप्स का जो मल्टीप्लाई लेट m1 m2 ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं -1, तो इससे आपको बेटा a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखो m1 क्या होगा इसका -x अपॉन -y का कोएफिशिएंट, तो ये आ गया -1 अपॉन a -1 into m2 क्या होगा अगेन -2 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस माइनस प्लस, और डिनोमीटर को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया a क्यूब माइनस a स्क्वायर, ये माइनस टू उधर और इसको उधर लेके आओ तो आ गया प्लस के टू, तो ये a में क्यूब के, तो आप इसको करना हिट एंड टेल से सॉल्व। तो देखो ढंग से ये प्लस टू है, ये वन एंड वन है, तो जब a को इसमें माइनस वन क्या करोगे पुट, तो a इक्वल टू माइनस वन इसको क्या करता है सेटिस्फाई, तो देन a प्लस वन इसका फैक्टर होगा, तो जब आप इसको a प्लस वन से डिवाइड करोगे तो a में अगेन क्वाड्रेटिक होगी, तो उसके जो रूट है वो होंगे बेटा इमेजिनरी, मतलब सिंपल सी बात ये है इस क्यूबिक इक्वेशन का ओनली वन रूट होगा a इक्वल टू माइनस वन, तो a को सिंपल जब माइनस वन पुट करोगे तो आपको दो लाइन मिलेंगी x माइनस टू वाई इक्वल टू वन, और इसमें पुट करने पे आ गया टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। अब आप इजीली इन दोनों लाइन को सॉल्व कर सकते हो, ये दो लाइन है एल वन एल टू, तो इनका ये मिलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट, और इस पॉइंट की आपको जीरो जीरो से डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, तो जब इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा रूट टू अपॉन फाइव, फोर्थ ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। एक्सिस को 135 डिग्री पर हम लोगों ने रोटेट किया है, तो एक पॉइंट है जिसके नए कोऑर्डिनेट 4, -3 है, तो उसके पुराने कोऑर्डिनेट्स क्या है ये हमको पूछा गया है। तो स्टूडेंट आपको इसमें ध्यान, एक चार्ट होता है, दिस इज ओल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज न्यू एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज न्यू वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे मिलता है कॉस थीटा साइन थीटा, थीटा इज जिस एंगल पर रोटेशन किया है, तो यहाँ पे थीटा 135 डिग्री है, तो कॉस थीटा मींस कॉस 135 माइनस 1 अपॉन रूट टू, यहाँ होता है हम लोगों के पास में साइन थीटा, तो साइन 135 डिग्री 1 अपॉन रूट टू, फिर यहाँ होता है माइनस साइन थीटा दैट इज माइनस 1 अपॉन रूट टू, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ अगेन हमारे पास में होता है कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस में 1 अपॉन रूट टू। अब स्टूडेंट हमें नए कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पुराने पूछे हैं, तो मैं स्मॉल एक्स को लिखूंगा कैपिटल एक्स माइनस 1/√2 और कैपिटल वाई इनटू दिस मच दैट इज माइनस वाई अपॉन रूट टू, इसमें हम एक्स को रख देंगे 4 और वाई को रख देंगे हम लोग माइनस 3, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा स्टूडेंट अल्टीमेटली माइनस 1 अपॉन रूट टू, यानी पुराना एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस 1 अपॉन रूट टू, और इसी तरह से आप लोग पुराना वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, जब आप निकालेंगे तो वो 7 अपॉन रूट टू आएगा, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 14 क्वेश्चन। देखो देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है आपको, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लो, आप डी पॉइंट गिवन है x4 कॉमा y4 और ए बी सी डी एक स्क्वायर गिवन है, ए पॉइंट 0 0 है, ये a कॉमा 0 है, ये 0 कॉमा सॉरी ये 0 a है, ये a है, फिर बाद में बोला गया कि जो m और p है वो bc और cd के क्या मिड पॉइंट है, तो देन आपको 1/1 ऑप्शन को चेक करना है, और क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस का, तो देखो अपन फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें
फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया कि डेल्टा एएमपीएंड जो स्क्वायर है उसके एरिया का रेशियो है वो 3:8 है। तो देखो जो ट्राइंगल है आपका एएमपी ये मिड पॉइंट है, तो देखो ये पॉइंट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होगा एबी की लेंथ, तो ये तो कितनी है ए, ये टोटल लेंथ अगर आपकी ए है तो ये पॉइंट आ गया बेटा ए बाई टू। सिमिलरली पॉइंट बी की बात करोगे तो ये पैरेलल टू, सिंपल सी बात है ना, ये x इसको y एक्सिस सेलेक्ट कर सकते हैं अपन, इसको x एक्सिस 0 0 है, 0, a, 0 a, a, तो ये पॉइंट क्या होगा बोलो ए बाई टू कोमा ए, और ये ओरिजिन है। तो आपको इस ट्राइंगल ए एम पी के 3 कोऑर्डिनेट गिवन है, तो इसका एरिया लिखोगे डेल्टा ए एम पी इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट से x1 y1 1 अप टू सो ऑन, तो क्या आ गया 0 0 1 इससे a ए वाई टू वन एंड दिस इज ए वाई टू ए एंड आप ये दोनों जीरो हैं, तो ओनली इस वन के अलोंग ओपन करोगे तो क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, तो ये आ गया 3 a² / a, तो ये डेल्टा ए एम पी का एरिया है। फिर स्क्वायर का एरिया क्या होगा ए स्क्वायर, तो 3 a² / a² तो इसका रेशो क्या आ गया 3:8, तो एक तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। सिमिलरली आप नेक्स्ट में क्या करना है डेल्टा MCP, तो देखो MCP तो सिंपल सी बात है MCP तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या लिखोगे बोलो हाफ बेस इनटू हाइट, तो इसका बेस क्या देखो ay2 और हाइट भी क्या है इसकी ay2, तो a² / 4, तो मतलब इसका एरिया आ गया a² / 8। और जब इसकी बात करोगे डेल्टा AMD, AM और D, ये लो जो AMD ट्रायंगल है इसका एरिया आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इसको बेस लेट करोगे तो ये इसकी क्या होगी हाइट, तो हाफ बेस A और इसकी हाइट ये क्या होगी A by 2, तो ये आ गया बेटा a² / 4, तो a² / 8 / a² / 4, तो इसका रेशियो क्या होगा 1:2, तो ये ऑप्शन आप करूंगा। सिमिलरली आप इजीली थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि डेल्टा एबीएम और एडीपी, एबीएम ये सिंपल एक ट्रायंगल बन गया आपका, और एडीपी ये भी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो सिंपल सी बात है, सिमेट्री से बात करोगे तो ये ए है ये ए बाई टू है, ये ए है ये ए बाई टू है, तो इन दोनों का एरिया सेम होगा, तो रेशियो 1:1 ये भी करेक्ट होगा, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। जब फोर्थ ऑप्शन की बात करोगे तो ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, करके देखा ना सभी। चलो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट इसमें ये कहा है कि इस पेयर ऑफ लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट लाइंस के बीच के का डिस्टेंस 4 है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहली बात तो ये है स्टूडेंट कि इसके अंदर अगर ये पेयर ऑफ लाइन है तो डेल्टा शुड बी इक्वल टू 0, तो डेल्टा 0 है तो a * b * c, नाउ c इज 0 कांस्टेंट नंबर 0 है, प्लस 2 f g h, f इज हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज माइनस में 4k, f g is 3k, h is minus 12, abc plus 2fgh minus a f square, तो f square हो जाएगा हमारे पास में minus 4k का square, तो 16k square minus b g square, तो g is 3k इसका square हो जाएगा 9k square, और minus c equals to 0, abc plus 2fgh minus a f square minus b g square minus ch square equal to 0, c is 0 here। तो इस इक्वेशन को जब हम लोग स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें देखिए 4 × 3 = 12, तो स्टूडेंट सभी में 12 का फैक्टर कॉमन आएगा, काफी सारी टर्म्स इसमें एक्चुअली में कॉमन है, और मेरे हिसाब से स्टूडेंट इसमें k स्क्वायर की टर्म सारी एक दूसरे से कैंसिल ही हो जाएंगी, तभी ये हमारे पास में मतलब अल्टीमेटली k स्क्वायर की सारी टर्म कैंसिल आउट होगी, तो इससे हमको कोई एक्चुअली में फायदा नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट हम लोग बढ़ेंगे और इसके द्वारा रिप्रेजेंट होने वाली अलग अलग लाइंस को निकालना पड़ेगा, तो देखिए उसके लिए मैं इन तीन टर्म्स के फैक्टर कर रहा हूं, तो वो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि दिस इज 3x - 4y होल स्क्वायर, तो हम इस पूरी इक्वेशन के स्टूडेंट फैक्टर को सपोज कर लेंगे 3x - 4y + a × 3x - 4y + b, ये हम लोग इसकी इक्वेशन को सपोज करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x² - 24xy + 16y², उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट एक्स की टर्म्स क्या आएंगे, तो x की टर्म आएंगे एक तो 3b और एक x की टर्म आएगी 3a, y की टर्म आएगी स्टूडेंट हम लोगों के पास में
एक तो माइनस में 4a और एक आएगी वाई की टर्म हम लोगों के पास में माइनस में 4b और कांस्टेंट टर्म आएगी ab। नाउ दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन, तो एक आइडेंटिटी के कंपेयर कर सकते हैं। तो 3a plus b इधर x का कोएफिशिएंट है और इधर x का कोएफिशिएंट है 6k, तो मैं बोल सकता हूं कि 3a plus 3b equals to 6k, that is a plus b equal to 2k। पहली बात, अगर मैं इसको y के कोएफिशिएंट से मैच कराऊंगा तो सेम इंफॉर्मेशन मिलेगी, कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो कांस्टेंट टर्म को देखते हैं, तो a into b equals to 0, ये इक्वेशन हमें मिली। तो इस टाइम देखिए, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, यहां से इजीली हम लोगों को पता लग रहा है कि a और b के दो सेट आ रहे हैं। या तो मैं a को 2 लिख के ले लूं और b को 0 ले लूं, या फिर मैं a को 0 ले लूं और b को 2k ले लूं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व होगी, तो अल्टीमेटली हम लोगों को लाइंस क्या मिलेंगी, 3x minus 4y plus 2k, या प्लस अगर मैं ये ऑप्शन लेके चलूं तो 3x minus 4y plus 2k equal to 0, एंड दूसरी इक्वेशन होगी 3x minus 4y equal to 0, इनके बीच की डिस्टेंस सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला 2k upon 9 plus 16 का रूट, दैट इज 2, और ये डिस्टेंस 4 दे रखी है, तो यहां से k निकालना है, तो ये हो गया 5, 20, 2k equal to plus minus 20, तो k equals to either प्लस माइनस 10 हम लोगों को मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A एंड B आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स, देयर कोऑर्डिनेट्स आर 3,2 एंड 5,4 रेस्पेक्टिवली। A B P इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P R। तो देखो कैसे करना है, क्वेश्चन में मेंशन है कि A और B आपके टू फिक्स्ड पॉइंट है, लेट पॉइंट A है ये, इसके कोऑर्डिनेट है 3,2 और जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट है 5,4। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो ए बी पी है वो आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ए और बी आपके फिक्स हैं। तो देखो एक पॉसिबिलिटी तो अपन ऐसे बना सकते हैं, ए और बी फिक्स है आपके, और सेकेंड पॉसिबिलिटी आपकी नीचे की साइड हो सकती है, ये पॉइंट भी हो सकता है और ये भी पॉइंट। पहले तो समझ लो आप, ये ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल है तो पॉइंट पी की जो इमेज लोगे वो आपकी इधर लाई करेगी। तो अब देखो इस पॉइंट पी को कैसे फाइंड आउट करना है, तो देखो सिंपल, इसको इसे ज्वाइन करो, ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल है तो यही मीडियन होगा, यही परपेंडिकुलर, यही आपका ए बी एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो क्या करना है, देखो जो पॉइंट है ये ए और बी का क्या होगा, मिड पॉइंट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो 4,3। इसके बाद ये जो ए बी लाइन है इसके स्लोप का उल्टा और नेगेटिव वो क्या होगा, इस डी पी लाइन का स्लोप, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो इस ए बी लाइन का स्लोप क्या होगा, एम ए बी इक्वल टू बोलो 4-2:1 आ गया, ठीक है। तो ए बी लाइन का स्लोप अगर 1 है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, एम इक्वल टू माइनस 1, मतलब इसका एंगल होगा 3π/4, 10 30, टेन थीटा माइनस 1 तो थीटा आ गया 3π/4। अब एक बात सुनो, अगर इसकी लेंथ पता हो तो ये लेंथ दोनों सेम होंगी ना, तो गिवन पॉइंट से गिवन डिस्टेंस पे आपको 2 पॉइंट फाइंड आउट करने लाइन पीपी डैश पे, तो अपन पैरामीटर फॉर्म से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो इस पॉइंट के अलोंग पैरामीटर फॉर्म क्या लिखोगे आप, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, इस लाइन का थीटा कितना, 3π/4, तो कॉस थीटा आ गया बेटा 1/√2 इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन 3π/4 इज 1/√2, और इधर लिखते हैं इक्वल टू में प्लस माइनस आर, आर क्या है, डीपी की लेंथ। तो देखो इधर आओ, पहले एबी की लेंथ क्या होगी इसमें, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से एबी की लेंथ लिखोगे आप 5-3 2² 4, 4 और 4 8, तो 2√2 आ गया बेटा, ये 2√2 है और ये आपको पता है मिड पॉइंट है तो ये रूट टू होगी, और ये ट्राइंगल इक्विलेटर तो ये भी क्या होगी 2√2, ये 2√2 है, ये रूट टू है, तो हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ क्या होगी, 8-2√6 होगी बेटा, क्या होगी बोलो, रूट सिक्स। चलो तो ये प्लस माइनस लिखोगे रूट सिक्स, तो जब फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करोगे तो ये आ गया एक्स माइनस 4 इक्वल टू। अपन एक बार बात करते हैं टेकिंग प्लस की, तो टेकिंग प्लस लोगे तो रूट सिक्स अपॉन रूट टू रूट थ्री, तो ये आ गया बेटा 4-√3, क्यों, क्योंकि इधर माइनस है,
और इससे आ गया वाई माइनस थ्री इक्वल टू माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स तो आ गया फोर माइनस रूट थ्री और वाई आ गया थ्री प्लस रूट थ्री। जब आप टेकिंग माइनस की बात करोगे तो एक पॉइंट और होगा, एक्स इक्वल टू फोर प्लस रूट थ्री, कुछ नहीं करना, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, और एक आ गया वाई इक्वल टू थ्री माइनस रूट थ्री। तो ये टू पॉसिबल हो सकते हैं पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट। तो देखो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर माइनस रूट थ्री कोमा थ्री प्लस रूट थ्री, एक तो आ गया फर्स्ट ऑप्शन, और एक फोर प्लस रूट थ्री कोमा थ्री माइनस रूट थ्री, एक आ गया बेटा सेकेंड ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17, एबीसी में एक रिलेशन दिया है, ये वेरिएबल लाइन किसी फिक्स पॉइंट से जाती है, वन ऑफ द टू फिक्स पॉइंट, मतलब दो फिक्स पॉइंट में से किसी एक से जरूर जाती है, हमें उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है। सो देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो अगर मैं इस 4ac को लेफ्ट में लिया हूं, तो ये लेफ्ट में बन गया 2a plus c whole square equal to b square, स्क्वायर रूट लेते हैं, b आ गया प्लस माइनस 2a plus c, ओके? इस b की वैल्यू को मैं इस वेरिएबल लाइन में रख देता हूँ, तो ये हो गया ax plus minus 2a plus c into y plus c equal to 0। नाउ a की टर्म्स एक तरफ, b और c की टर्म एक तरफ, तो अगर मैं a की टर्म को एक तरफ लिखूं तो इधर x है और इधर है प्लस माइनस टू वाई, सी की टर्म को लेके चले तो इधर है वन और इधर है हमारे पास में प्लस माइनस वाई इक्वल टू जीरो। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्मेट एल वन प्लस लैम्डा एल टू इक्वल टू जीरो, तो एल वन और एल टू का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी द फिक्स पॉइंट थ्रू विच दिस वेरिएबल लाइन विल पास। एक बार हम पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव, तो थिंक वी आर टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, एक स्ट्रेट लाइन ये है, और 1 प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक स्ट्रेट लाइन ये है। y कोऑर्डिनेट स्टूडेंट यहां से माइनस वन आया, y को यहां माइनस वन रखेंगे तो x कोऑर्डिनेट 2 आया, सो 1 पॉइंट इज 2 कॉमा माइनस वन। दूसरे में हम माइनस साइन लेंगे तो ये 1 माइनस वाई होगा, ये x माइनस 2 वाई होगा, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास में आ जाएगा 1, y को 1 रखेंगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा हम लोगों के पास में माइनस 2। सो ये वो दो पॉइंट है जिनसे ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों में से किसी एक से जरूर पास होगी। ऑप्शन नंबर वन, सेकंड एंड थर्ड योर आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 18 देखें। द पोर्शन ऑफ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो इंटरसेप्टेड बिटवीन द लाइन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द ओरिजिन एंड द कंडीशन इन ए एंड बी इज लैम्डा ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इंटीजर क्वेश्चन है, देखो कैसे करना अपन को। क्वेश्चन में मेंशन है कि टू लाइन है, लेट एल वन एल टू, ये लेट एल वन है और ये लेट एल टू है, और बाद में क्या बोला गया कि जो एल थ्री लाइन है आपकी ऐसे ए एक्स प्लस बी वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये एल वन एल टू को जो एल थ्री लाइन क्या करती है, कट, लेट यू सेगमेंट है आपका ए बी, तो जो सेगमेंट ए बी है ये बेटा ओरिजिन पे क्या करता है, राइट एंगल सबटेंड करता है, तो इसको अपन इधर लेट कर देते हैं, जीरो कोमा जीरो है, ये एंगल 90 डिग्री बोला गया, तो आपको ए बी में रिलेशन फाइंड आउट करना है, और एल वन की इक्वेशन है इसमें ए एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, और एल टू की इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो। तो देखो कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ओरिजिन से ये टू लाइन से लेट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ओरिजिन से दो लाइन पास होती है आपकी OA एंड OB और ये एंगल बनाती है 90 डिग्री, तो अपन इस केस में क्या बोल सकते हैं कि जो OA और OB है इन दोनों की जो कंबाइंड इक्वेशन वो क्या होगी, होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आप क्या करो, ये जो L1 L2 और L3 लाइन है इनसे इसका क्या कर सकते हैं, होमोजीनाइजेशन। तो देखो जो L1 L2 जो सेपरेट लाइन है पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो तो आपको क्या मिलेगी, दोनों की कंबाइंड इक्वेशन। तो L1 को जब L2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप L1 L2 की क्या फाइंड आउट करोगे, कंबाइंड इक्वेशन, तो वो क्या होगी बोलो, AX प्लस Y प्लस 1, ये L1 है, और L2 को लिखोगे बेटा X प्लस BY इक्वल टू 0, ये L1 L2 की कंबाइंड इक्वेशन है। एक बार इसको फटाफट मल्टीप्लाई करो तो देन
ए एक्स स्क्वायर वाई को वाई से किया तो बी वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स को इससे करोगे तो आ गया ए बी इंटू एक्स वाई प्लस एक्स वाई और रिमेनिंग टर्म होगी बेटा एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो। थ्री इंटू टू टोटल सिक्स टर्म है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ये आपकी L1 L2 की कंबाइंड इक्वेशन है। अब क्या बोला गया है, ये जो L1 L2 की कंबाइंड इक्वेशन है और ये जो इंटरसेप्टेड पार्ट है ये ओरिजिन पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो आप क्या कर सकते हो, इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इस L3 लाइन के साथ क्या कर सकते हैं, होमोजिनाइजेशन। जब आप इसका होमोजिनाइजेशन करोगे तो वो आपकी OA और OB की कंबाइंड इक्वेशन को क्या करेगी बेटा, रिप्रेजेंट। तो होमोजिनाइजेशन का मीनिंग क्या है कि सबकी डिग्री 2 लेके आओगे आप। तो ये डिग्री 2 है, ये 2 है, इन दोनों की डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री 1 है। तो इस केस में क्या करते हैं, जो लाइन इसको क्या करती है इंटरसेप्ट, उससे 1 की वैल्यू को आप इन दोनों में पुट करो तो ये डिग्री सेकंड में क्या बनेगी, होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेंथ। तो इससे आपको 1 की वैल्यू मिलेगी क्या, ax + by। तो अपन इसके मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं और इसके मल्टीप्लाई में 1। तो इससे आपको मिलेगी ax² + by² + ab xy प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस बी वाई, दोनों के साथ वन है तो एक साथ मल्टीपल लिख सकते हो, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो। तो ये जो इक्वेशन है क्या है, OA और OB की कंबाइंड इक्वेशन, और ये OA और AB इनके बिटवीन एंगल आपको गिवन है 90 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के का एंगल अगर क्या है 90 डिग्री, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को आप डायरेक्ट लिख सकते हो जीरो। OA perpendicular to OB then coefficient of x square plus coefficient of y square equal to 0। तो देखो coefficient of x square क्या होगा, इससे a मिला आपको और इसको इससे multiply करोगे तो क्या आ गया, again a, तो a and a आ गया बेटा 2a plus y square के coefficient के लिए एक तो b मिल गया आपको इधर, तो b plus जब आप by को करोगे इससे multiply next आ गया b square equal to जीरो। तो ये आपको मिला एबीसी में, ए बी में रिलेशन। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं अपन, अपन को रिलेशन गिवन है लैम्डा ए प्लस बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग लैम्डा की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 19th में देखिए इसमें हम लोगों को ये बोल रखा है कि द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन इज दिस। कोई दो स्ट्रेट लाइन है जिनके पेयर ऑफ बाइसेक्टर की इक्वेशन ये है और उन दोनों लाइन में से एक लाइन ये है, तो दूसरी लाइन की इक्वेशन अगर पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू जीरो हो देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी माइनस क्यू। ओके, सो व्हाट वी विल गेट, मान लेते हैं स्टूडेंट की जो हमारे पास में अनादर लाइन बची हुई है उसकी इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स है, ठीक है, ये हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं। तो दोनों लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगी स्टूडेंट वाई माइनस एम एक्स इंटू टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये मिलेगा आप लोगों को एम एक्स स्क्वायर उसके बाद में माइनस कॉमन वन प्लस टू एम इंटू एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये हम लोगों को पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन मिली। अब पेयर ऑफ लाइन के लिए बाइसेक्टर की इक्वेशन निकलेगा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, तो बाइसेक्टर्स के पेयर की मैं इक्वेशन लिख रहा हूं यूजिंग दैट फॉर्मूला, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी दैट इज एम माइनस टू इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच दैट इज माइनस वन प्लस टू एम डिवाइडेड बाई टू। ओके, सो यहां से स्टूडेंट हम लोगों को इक्वेशन मिल रही है, देखिए माइनस वन प्लस टू एम अपॉन टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एम इंटू एक्स वाई एंड प्लस वन प्लस टू एम डिवाइड बाई टू इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर टू एंड लेट अस कॉल इट दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड बोथ आर रिप्रेजेंटिंग सेम इक्वेशंस, सो वी कैन कंपेयर देम। तो जब इसको स्टूडेंट हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखिए हमें मिलेगा यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है माइनस में वन प्लस टू एम अपॉन टू
और यहां x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 12, यहां xy का कोएफिशिएंट है हमारे पास में 2 - m, और यहां पर हम लोगों के पास में xy का कोएफिशिएंट है माइनस में 7। y स्क्वायर के कोएफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे तो वो यही क्वांटिटी मिलेगी, तो उससे नई इक्वेशन हमें नहीं मिलेगी। तो अब स्टूडेंट ये जो इक्वेशन हमें मिली है इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। तो देखिए यहां पे मिलेगा ये माइनस और ये माइनस मिला करके हम लोग प्लस कर देते हैं और ये हो जाएगा 7 + 14m = 24। देखिए ये 2 इधर आया तो ये हमारा 24 × 2 = 48 - 24m। तो यहां से स्टूडेंट हम लोगों को मिल गया 38m = 41, सो m = 41/38, यानी जिस लाइन की हम बात कर रहे थे उसका स्लोप 41/38 होगा। अब स्टूडेंट हम लोगों को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है, अगर हम इसका स्लोप देखें तो दैट इज p/q, दिस शुड बी इक्वल टू 41/38। तो यहां से स्टूडेंट हम लोगों को ये पता लग रहा है कि, या देखिए इसमें ऐसे कर सकते हैं, इस तरह की बजाय हम लोगों को स्लोप की वैल्यू पता लग चुकी है और हम लोगों को लाइन की वैल्यू, हम लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं y = mx, तो y = 41/38 × x, यानी कि 41x - 38y = 0। अब ये लाइन और ये लाइन सेम है, कंपेयर करें तो p आ गया 41 और q आ गया 38, हमसे p माइनस q पूछा है, उसकी वैल्यू हो गई 3। वन मोर थिंग, यहां पर हम लोग इसको -41x + 38y भी बोल सकते थे, अगर ऐसा बोलते तो p माइनस q की वैल्यू -3 आती। तो इफ दिस इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो 3 और -3 दोनों आंसर देने, और यहां पर बेटर है सबने लगा दिया एक मॉडुलस, अगर मॉडुलस लगा दिया जाए p माइनस q पे तो आंसर वुड बी ओनली +3। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखें। ए रोम्बस लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हूज टू साइड्स आर 7x² - 8xy + y² = 0, देन स्लोप ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल इज। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप पहले देखो ढंग से, ये जो लाइन है PSL इनको अपन क्या कर सकते हैं सेपरेट, तो किसके फैक्टर कर सकते हो आप, तो ये आ गया 7x² - 7xy - xy + y² = 0। तो फर्स्ट और सेकंड में 7x कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में होगा x - y, और थर्ड और फोर्थ में कॉमन आ गया बेटा -ky, तो अगेन x - y = 0। इन दोनों को कॉमन लोगे तो एक फैक्टर x - y होगा और सेकंड फैक्टर 7x - y = 0। तो इससे क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन तो है x = y और सेकंड स्ट्रेट लाइन है 7x = y। अब देखो थोड़ा समझो इस क्वेश्चन को आप, ये x एक्सिस और ये, तो दोनों लाइन को जब आप ड्रॉ करोगे एक लाइन तो है आपकी x = y और जो सेकेंड लाइन है उसको ड्रॉ करोगे तो इसका स्लोप है 1y से, दो लाइन से होगी। अब आपसे बोला गया कि जो ये दोनों लाइन है तो जो रोम्बस है आपको इन दोनों लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, मतलब दो उसके लाइन से हैं, कुछ डायगोनल की टू एडजेसेंसी साइड्स हैं और वो जो आपका रोम्बस है वो कंप्लीटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वो रोम्बस आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, ओ ए बी और सी। तो आप खुद देखो कि जो L1 L2 लाइन है आपकी PSL इन दोनों के बिटवीन, भाई सिंपल सी बात है, इसका एंगल 45 है, इससे कम होगा तो ये होगा आपका एक्यूट एंगल, तो रोम्बस के बिटवीन ये एक्यूट एंगल है, तो जो OB डायगोनल है यही हमेशा क्या होगा, लॉन्गर डायगोनल होगा। तो आपसे ये पूछा गया कि जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है उसका स्लोप बताओ, तो स्लोप का मीनिंग क्या होगा, एक्स के साथ ये एंगल। तो इसको करने के दो मेथड है, एक मेथड तो क्या है, देखो ये जो OA लाइन है कौन सी होगी जिसका स्लोप कम है, तो ये है लाइन आपकी y = 7x है, तो इसको तो करो y = 7x, ये आपकी होगी x = y, तो इसका एंगल है आपका 45 डिग्री। ये जो OA और OB जो लाइन है कंबाइंड उससे आप क्या करो, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो आप tan 2 थीटा के फॉर्मूले से दोनों लाइन के बिटवीन एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो, तो वो वैल्यू मिलती है बेटा 3/4। जब आप tan थीटा का फॉर्मूला यूज करोगे तो उससे आप tan थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो ये एंगल थीटा है और लेट ये एंगल अल्फा है, तो OB का x के साथ एंगल क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा, इसका दोनों तरफ आप इसका ले लो tan,
तो tan थीटा प्लस अल्फा के लिए फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या आएगा, tan थीटा प्लस tan अल्फा, तो आपको tan थीटा की वैल्यू भी पता है और tan अल्फा का मीनिंग दिस लाइन का स्लोप कितना है 1, तो इनको जब पुट करोगे तो आपको OB लाइन का क्या मिल सकता है स्लोप। एक तो मेथड है ये, और उससे सिंपल मेथड क्या है देखो आप ढंग से, ये जो L1 L2 लाइंस है इसका जो एंगल बाइसेक्टर है ये दोनों एंगल सेम है तो 100% एक एंगल बाइसेक्टर तो आपका यही होगा OB, और एक एंगल बाइसेक्टर होगा आपका दिस पार्ट, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर तो ऑब्ट्यूस होगा और ये होगा एक्यूट। तो आप क्या करो जो अपनी इक्वेशन है उसमें सिंपल एक्यूट सॉरी बाइसेक्टर की फॉर्मूले से अपन दोनों बाइसेक्टर को सेपरेट कर सकते हैं, और जब उसको सेपरेट करोगे तो एक बाइसेक्टर तो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि उसका स्लोप नेगेटिव है, और एक बाइसेक्टर होगा ओबी, और इसकी इक्वेशन होगी बेटा वाई इक्वल टू टू एक्स। ये आप खुद कैलकुलेट करना भैया, आप डायग्राम से देखोगे तो जो एल वन एल टू की बाइसेक्टर एक ओबी है और एक सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो इसका स्लोप क्या आ गया एम इक्वल टू टू। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि यू हैव गॉट ऑल द सॉल्यूशंस एंड यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव टॉट, जस्ट वी फिनिश द लेक्चर। ओके।